स्टॉक मार्केट का जो पूरा गेम है वो शुरू हो जाता है। कंपनीज के पास एक ऑप्शन होता है, जिस तरीके से एक ऑप्शन हमारे और आपके पास भी हो सकता है कि अगर हमको आपको कोई बिजनेस करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से हम फंड्स करते हैं, और अगर बैंक नहीं देता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम बिजनेस के लिए पार्टनर्स को ढूंढते हैं, किसी को ऑफर करते हैं कि भैया ये 10 लाख का ये बिजनेस है, 5 लाख मैं लगाता हूं, 5 लाख तुम लगाओ, 10 लाख से ये बिजनेस करेंगे, जो भी बेनिफिट आएगा वो दोनों आदमी का, जो भी लॉस आएगा दोनों आदमी का, और एज ए पार्टनर आप उस काम को स्टार्ट करते हो। yes. बराबर है। तो आप एज ए पार्टनर उस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अंतर समझिएगा साहब, बैंक से आपने पैसे लेकर के बिजनेस किया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो बैंक आपसे पैसे लेती है या छोड़ देती है? लेती है। लेकिन अगर आपने किसी पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज कीजिए कि आपने किसी पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस यदि प्रॉफिट में नहीं जाकर के लॉस में भी जाती है, तो भी वो चूंकि पार्टनर थे इसलिए वो कर्ज नहीं है, आप उसे नहीं भी लौटाते हैं। बेनिफिट होता है तो चूंकि वो आपके पार्टनर है, बैंक ने आपको पैसे दिए तो फिक्स कर दिए कि साल का 15, 16, 18% आपसे मैं लूंगा, आप चाहे 1800% कमाए या फिर माइनस हो जाए। लेकिन आपने पार्टनरशिप में जब काम को शुरू किया तो अगर आपने 10 लाख लगाए और 2 लाख रुपया वहां से बेनिफिट जनरेट हुआ तो आपके पार्टनर का हिस्सेदारी उसमें कितने पैसों का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? अच्छा, अगर 10 लाख था और 2 लाख रुपया लॉस कर गया बिजनेस में, ठीक है, तो अब आपके पार्टनर्स का कितना पैसा बचा? 4 लाख। ये 4 लाख आपके ऊपर कर्ज तो नहीं है ना, एज ए फ्रेंड्स आपने स्टार्ट किया है। डिफरेंस समझिएगा, मैं कहीं और ले जाना चाहता हूं। तो साहब यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक आपने बैंक से पैसे लिए जो कि मैंडेटरी आपको लौटाने हैं, एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने किसी फ्रेंड से ले लेते हैं जो लौटाने नहीं है। हां, जितना बेनिफिट होगा हम बात करके देंगे, जितनी लॉसेस होगी हम उसको बांट लेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बराबरी का होता है। आपने एक ऐसे सिस्टम को शुरू किया तो बैंक्स जैसे आपको देती है वैसे ही कंपनीज को देती है, तो कंपनीज कभी कभी बैंक से भी लेती है और कभी कभी एक दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करती है, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करने से ही स्टॉक मार्केट का यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। वो कंपनीज कहती है कि चलो भाई हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। जियो को एक मैं कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि जियो सबके समझ में आ जाता है।